एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, और आज हमारे सामने है एक्सएल 6 CNG, मतलब जो अभी तक पॉसिबल नहीं था स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से, क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड आता था तो CNG इसके अंदर नहीं लग सकती थी, बट अब इसके अंदर CNG लगने लग गई है क्योंकि एक्सएल 6 CNG लॉन्च हो चुकी है। अगर आप देखें, मैं विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, तो CNG में ये आ चुकी है शोरूम्स के अंदर। आउट करते हैं इसका CNG सिलेंडर कि क्या स्पेस आपको इसके अंदर CNG की मैनेजमेंट मिलती है और कैसी मैनेजमेंट इसके अंदर मिलती है। जेटा मॉडल के अंदर CNG इसके अंदर आई है, अराउंड ये 14-14.5 लाख की पड़ेगी CNG के अंदर। जेटा मॉडल है, बेस मॉडल कह सकते हो आप इसे। इसके ऊपर दो मॉडल आते हैं, अल्फा अल्फा प्लस। अगर हम जेटा मॉडल को चेकआउट करें, फ्रंट में आपको इसके अंदर क्वाड LED सेटअप मिल जाता है, बहुत ही शानदार इसकी हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, आपको DRL भी इसके अंदर मिलती है, नीचे फॉग लैम्प इसके अंदर LED में मिल जाता है, ग्रिल इसके अंदर हमें मिल जाती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू ग्रिल मिलती है क्रोम लाइनिंग के साथ ऊपर नीचे, और काफ़ी बोल्ड लुक कार को दे देती है। मतलब फ्रंट से देखने में बिल्कुल भी एक MPV लगती ही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल एक आपको SUV कार ही लगेगी, मतलब वो स्टांस इसके अंदर दे दिया गया है 7 सीटर होने के बाद भी। इंजन की बात अगर मैं करूँ इसके अंदर, तो वही 1500 CC का इसके अंदर इंजन दिया है, बहुत ही शानदार तरीके से प्लेसमेंट है इंजन की। दो ECU चिप लगा दी गई है, दो ब्रेन, मतलब एक पेट्रोल का एक CNG का, अगर आप देखें दोनों साइड ही। 83 BHP 121 Nm का टॉर्क निकालता है ये CNG के अंदर, पेट्रोल के अंदर ज़्यादा टॉर्क और आपको ये BHP निकाल देती है, बट वैसे ये CNG के अंदर कम ही टॉर्क और कम CNG अपनी पावर निकालती है, तो काफ़ी अच्छे से प्लेसमेंट कर रखी है। इंसुलेशन इसके अंदर पीछे की तरफ भी दे रखी है, और अगर ऊपर की बात करूँ तो हुड के अंदर भी प्रॉपर इंसुलेशन दे रखी है, मतलब आपको कैबिन में बिल्कुल साइलेंट फील आएगी और बहुत ही फन टू ड्राइव ये कार बन जाती है। सबसे अच्छी बात है कि 1500 CC के अंदर सेकेंड कार आ चुकी है इस टाइम पे मार्केट में जो CNG ऑफर कर रही है 7 सीटर होने के बाद भी, तो बहुत ही एक एलिगेंट लुक आ जाती है कार के अंदर, बहुत ही एक रिचनेस आ जाती है, प्रीमियम फील आ जाती है, जिसको अर्टिगा से ऊपर एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए आज के रेट पे। आज के रेट पे उनके सामने आ चुका है एक्सएल 6 CNG का वेरिएंट। अब सीधा चेकआउट करते हैं पहले जाके इसका बूट स्पेस, कि बूट में CNG की प्लेसमेंट कैसी है और कहाँ से इसकी फिलिंग वॉल्व है, जो सबसे ज़्यादा टेंशन लोगों को होती है आज के डेट पे। अगर मैं इसकी बात करूँ CNG फिलिंग वॉल्व की, तो सबसे अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर प्रॉपर अर्टिका की तरह ही प्लेसमेंट दे रखी है, प्रॉपर प्लेसमेंट है, जहाँ अर्टिका की आती है CNG प्लेसमेंट वहीं आती है इसके अंदर भी। तो सबसे अच्छी बात है कि अंदर है, बाहर से दिखेगा नहीं आपको कि कहीं भी आपको CNG वॉल्व, तो काफ़ी अच्छी तरह से प्लेस्ड है। 60 लीटर की इसके अंदर आपको कैपेसिटी मिल जाती है, जो सिलेंडर इसके अंदर मिलता है। अगर हम चेकआउट करें इसका सिलेंडर सबसे पहले, तो अगर हम चेकआउट करते हैं सिलेंडर, तो इसके अंदर जो हमें CNG सिलेंडर मिलता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस्ड है। अगर आप देखें तो जैसे अर्टिका के अंदर आता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर डाल दिया गया है, और काफ़ी अच्छी एक डील बन जाती है अर्टिका से ऊपर, जिसको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, जैसे अर्टिका मेजरली टैक्सी में इस टाइम पर बिकती है, उससे एक ऊपर प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नेक्सा के अंदर आपको एक्सएल 6 CNG में मिल जाती है। ये कुछ इसके अंदर टैंक है, सेम कैपेसिटी अर्टिगा वाली इसके अंदर मिल जाती है, माइलेज भी वही क्लेम है 26 प्लस की माइलेज, ओनर्स के थ्रू अर्टिगा के अंदर 28 प्लस की माइलेज भी निकाली गई है, तो मतलब ये भी उस टाइप की कैपेबल है। साथ ही साथ आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिल जाता है नेक्सा के अंदर, और सबसे अच्छी बात इंटीरियर बहुत ही अच्छा इसके अंदर मिल जाता है, जो अर्टिगा का इंटीरियर आपको बेज कलर में मिलता है, वो इसका इंटीरियर आपको ब्लैक, ऑल ब्लैक इंटीरियर, स्पोर्टी इंटीरियर मिल जाता है आपको कंपनी की तरफ से, काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस्ड है। इसके ऊपर आप आराम से, इस रैक के ऊपर 100 किलो तक का वजन आप आराम से डाल सकते हैं, इतना कैपेबल है ये रैक नेक्सा की तरफ से, जो एक्सएल 6 आ रही है चाहे अर्टिगा की बात करें, दोनों के अंदर ये रैक काफ़ी अच्छे तरीके की कैपेबिलिटी ऑफर कर देता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसके अंदर लगेज रख सकते हैं। अगर मैं स्टेपनी की बात करूँ, तो आप इसको यहाँ से फ्लिप करेंगे और यहाँ से आप अपना स्टेपनी का सामान सारा रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से ये भी प्लेसमेंट है, कि आपकी जो स्टेपनी का सामान है, आपका जैक है, आपके जो टूल्स हैं, वो बार बार आवाज़ नहीं करेंगे कैबिन के अंदर, एक क्वाइट राइट क्वालिटी आपको मिलेगी इस कार के अंदर, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी जो प्लेसमेंट कर रखी है ना CNG टैंक की, वो बहुत इंप्रेसिव है। ऊपर आप देखो तो CNG का आपको लोगो मिल ही जाता है, और डिक बूट के अंदर आपको इसके अंदर प्रॉपर लीवर मिलता है, एक हैंडल मिलता है बूट को लॉक करने के लिए। अगर मैं बैक से लुक की बात करूँ, तो जितना शानदार इसका फ्रंट से लुक है ना, एलिगेंट लुक, स्मार्ट लुक, स्टाइलिश MPV जैसे मैं कह सकता हूँ ना, तो वो ये बन जाती है आज के डेट पे, कि मतलब जिसको अर्टिका नहीं लेनी है ना, और जिसको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए, प्रीमियम गाड़ी चाहिए, प्रीमियम फीचर्स चाहिए, तो ज़रूर से एक्सएल 6 की तरफ जा सकता है, क्योंकि CNG की बैजिंग आ रखी है, अब किफ़ायती बचत भी होगी आपकी, और आपको एक स्टाइलिश गाड़ी भी मिलेगी स्टाइलिश ट्रीटमेंट के साथ। अगर मैं बात करूँ इसके टेल लैम्प्स की, तो टेल लैम्प्स जो इसके अंदर मिल जाते हैं, वो LED टेल लैम्प्स मिलते हैं हमें, काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन है, काफ़ी एक एनहांसमेंट आती है इसके लुक के अंदर, और काफ़ी अच्छा लुक ये कार कर देती है कार को। अगर मैं बात करूँ इसके टेल गेट की, तो इसके अंदर हमें मिल जाता है सेंटर में एक ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमें साथ में बीच में क्रोम लाइनिंग भी मिल जाती है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ जाता है, जो पहले एक्सएल 6 के अंदर नहीं आती थी ये क्रोम की लाइनिंग आपको सेंटर में पैनल के ऊपर, वो अब इसके अंदर दे दी गई है। नीचे अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर मिल जाती है हमें सुजुकी की बैजिंग प्रॉपर,
काफ़ी अच्छे क्रोम लुक के साथ ये आती है। नीचे एक्सल सिक्स की बैजिंग आपको मिलती है, वेरिएंट की बैजिंग कोई भी इसके अंदर आपको नहीं मिलती। ये मतलब एक बैजिंग आपको वेरिएंट की भी दे देनी चाहिए जैसे पहले आता था, बट आज के डेट पे वेरिएंट की बैजिंग ना आने से भी आपको ये हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कौन सा मॉडल है। जैसे अब ये टॉप मॉडल ही लगता है, क्योंकि बाहर से अगर कोई देखे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके अंदर, तो टॉप मॉडल ही लगता है। तो आप ये कर सकते हो कि बेस मॉडल लेके आए उसे टॉप मॉडल बोल सकते हो मॉडिफिकेशन करवाने के बाद। बाकी ऊपर इसके अंदर मिल जाती है शार्क फिन एंटीना, मतलब जो सबसे अच्छा फीचर इसके अंदर डाल दिया गया है ना, मतलब जो प्रीवियस एक्सल सिक्स थी उसके अंदर आपको रूफ पे सामने की तरफ आता था एंटीना, वो इसके अंदर हटाकर शार्क फिन एंटीना डाल दिया। बैक मिरर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डिफॉगर्स भी मिल रखे हैं हमें, साथ ही साथ वाइपर भी मिल रखा है बैक के, आपको रेयर वाइपर भी इसके अंदर प्रोविजन में है। ऊपर वॉशर इसका मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ, और खास ये चीज़ जो खास चीज़ है इसकी, उसके अंदर हमें सीएनजी बैजिंग इसके अंदर मिल जाती है। नीचे की तरफ हमें चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इसके अंदर बम्पर के अंदर, और दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं स्किड प्लेट के साथ, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट के साथ हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे बल्की लुक पीछे से आता है इसका, और काफ़ी स्टाइलिश लुक निकल के इसका बन जाता है। अगर मैं साइड लुक की बात करूँ तो साइड लुक भी उतना ही शानदार इसका निकल के आता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से अपीलिंग साइड लुक इसका बन जाता है कार के अंदर। तो साइड लुक में अगर मैं देखूं तो इसके अंदर 16 इंची के हमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, काफ़ी शानदार इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं हमें, एक इंप्रेसिव एक काफ़ी बोल्ड लुक कार को दे देता है। और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस को देखें ना, मतलब मैंने प्रीवियस वाली एक्सल सिक्स देखी है रोड पर चलती हुई, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी नहीं लगती जिसकी जितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ हो गई है, और काफ़ी एक अच्छा एनहांसमेंट इसके अंदर हमें मिल चुका है ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर, और काफ़ी अच्छे तरीके से एक लुक आ जाता है कार का। और एमपीवी से हटके सीधा सीधा एक आपको एसयूवी लुक मिल जाता है, क्योंकि जब इतना अच्छा आपको अलॉय व्हील साइज़ मिल जाता है ना, पहले 15 इंची का आता था, अब इसके अंदर आपको 16 इंची का मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक लुक निकल के आ जाता है कार का। अगर मैं बात करूं तो चारों के चारों डोर हैंडल्स इसके अंदर हमें क्रोम में मिलते हैं, ए पिलर हमें बॉडी कलर में मिलता है, बी और सी पिलर इसके अंदर हमें मैट फिनिश के अंदर मिल जाता है। टॉप मॉडल के अंदर इसके अंदर प्रॉपर ग्लॉसी बैक फिनिश के अंदर आता है, वो आपकी वीडियो पर बिल्कुल चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि टॉप मॉडल के अंदर जो टॉप मॉडल है एग्जैक्ट उसके अंदर क्या फीचर्स आते हैं बेस मॉडल से फ़र्क में। ऊपर की बात अगर मैं करूं तो रूफ रेल्स में प्रॉपर इसके अंदर रूफ रेल मिलती हैं, फंक्शनल रूफ रेल्स हैं, मतलब शो के लिए नहीं है कि आप जस्ट एक रूफ रेल दे दिए, बट ये फंक्शनल रूफ रेल हैं, आप इसके अंदर कैरियर माउंट कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये यूज़फुल रूफ रेल बन जाती हैं लॉन्ग ड्राइव के, क्योंकि अब सीएनजी टैंक भी लग गया, तो 209 लीटर का पहले इसके अंदर बूट स्पेस था वो अब कम हो चुका है, और बढ़ के अब इसके अंदर आप कैरियर लगवा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर एक फैमिली ट्रिप करनी है अच्छे से। तो ये कुछ साइड लुक था इसका। अगर हम अंदर की बात करें इंटीरियर में क्या स्पेस और कंफर्ट इसके अंदर मिलता है, तो इंटीरियर में जाने से पहले अगर मैं आपको इसकी की दिखा दूँ तो वही की ब्लैक फिनिश के अंदर मिलती है इसके अंदर लॉक अनलॉक के बटन के साथ, सेंटर लॉकिंग की मिलती है इसके अंदर प्रॉपर, और आपको कीलेस एंट्री इसके अंदर प्रोविजन में मिलती है मारुति की तरफ से। अगर मैं ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ तो ब्लैक इंटीरियर मिलता है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात है कि यार गाड़ी जितनी भी गंदी हो जाए इंटीरियर साफ़ करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, जहाँ अर्टिगा में बहुत ज़्यादा ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस लगता था, खर्चे लगते थे फालतू के, वो इसके अंदर नहीं है। ब्लैक इंटीरियर मिल रहा सबसे बढ़िया होता है, हाथ कपड़ा गीला कपड़ा मारो साफ, सबसे सही रहती है चीज़। ड्राइवर साइड डोर की बात करो तो वही जो नॉर्मल जेटा मॉडल आ रही थी वही सब कुछ इसके अंदर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेजरली सीएनजी इसके अंदर चेंज हो चुकी है। ऑल ओवर व्यू ऐसे ही आप देख लो एक बार, क्योंकि मैंने पहले भी शूट कर रखी है। बाकी आपको इंटीरियर स्टाइलिंग किट इसके अंदर मिल रखी है, चारों के चारों पावर विंडो ORVM कंट्रोल्स इसके अंदर मिल रखे हैं, चार स्पीकर और दो ट्विटर का प्रोविजन इसके अंदर मिल जाता है। साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा है इसका, मतलब जो इसके अंदर स्पीकर क्वालिटी आती है ना वो बहुत ही शानदार आती है। 1 लीटर की पानी की बॉटल की स्पेस, कुछ मैगजीन स्पेस मिलती है। अब चेकआउट करते हैं अंदर से बैठ के कि अंदर आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका मेन चेंज हुआ है ना सीएनजी की वजह से वो कैसा मिलता है। काफ़ी अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर मिल जाता है, और नीचे सबसे बढ़िया फीचर जो स्विच बटन आपको मिल जाता है ना पेट्रोल से सीएनजी में, मतलब इसी के लिए सारे पैसे हैं इस टाइम पे। अगर किसी को सीएनजी में गाड़ी लेनी है ना तो वो इसी के सारे पैसे दे रहा है इस स्विच बटन के, सीएनजी के सिलेंडर के, और गाड़ी को एफिशिएंट बना रहा है, फ्यूल एफिशिएंट, और गाड़ी मज़े से आप चला सकते हो एक फ्रेंडली कॉस्ट के ऊपर। तो चेकआउट करते हैं इंटीरियर से बैठ के कि इंटीरियर में आपको क्या स्पेस और कंफर्ट मिलता है। उससे पहले अगर मैं बता दूं आपको तो ड्राइवर साइड सीट है वो इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली मिल जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि बेस मॉडल से आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट इसके अंदर मिल जाती है। चेकआउट करते हैं फर्दर अंदर से बैठ के कि इंटीरियर में क्या फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। इंटीरियर में बात करने से पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर एक एम्बियंट लाइट भी आती है, अगर आप ये देख रहे होंगे येलो लाइट सी जो चल रही है उसके नीचे आपको फुटवेल्स में फ्रंट की साइड में एम्बियंट लाइट मिलती है, जो थोड़ी देर बाद कट ऑफ हो जाती है। गाड़ी को आप जब ऑन करते हैं तो उसके बाद वो कट ऑफ हो जाती है। तो चेकआउट करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसके अंदर क्या मिलता है।
तो जितना शानदार इसका बाहर से लुक है ना एक्सटीरियर का, इंटीरियर भी उतना ही शानदार, उतना ही प्रीमियम आपको फील करवाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये ऐसा कुछ आपको इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो मतलब मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि यार अब सीएनजी आ गई, स्मार्ट हाइब्रिड हट गया, तो जो ब्लू कलर का एक प्रीमियम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था इसके अंदर, वो हटा के मारुति ने कुछ ऐसा इसके अंदर डाल दिया है। ये भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, एक स्पोर्टी लुक दे रहा है रेड इंसर्ट्स के साथ, और साथ ही साथ जो व्हाइट लाइट आ रही है ना निकल के, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अति सुंदर आ रहा है, जिसे कहते हैं ना मतलब कार ये एक नंबर बन चुकी है इस टाइम पे, लीडिंग सेगमेंट में आएगी ये बहुत ही टाइम जल्दी, और अपने जो कॉम्पिटिटर्स है ना इसके वो अब इसको फेल कर देगी ये कार, क्योंकि इतने सारे लग्जरी फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, बेसिक यूटिलिटी के फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं और सीएनजी टैंक के साथ। अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसके अंदर हमें राइट हैंड साइड मिल जाता है स्पीडोमीटर 220 की टॉप स्पीड के मार्किंग के साथ, और आरपीएम मीटर हमें राइट लेफ्ट हैंड साइड मिलता है, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर गॉज हमें नहीं मिलता, दोनों साइड ही आपको इसके अंदर फ्यूल गॉज ही मिलता है, एक साइड आपको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड सीएनजी गॉज और राइट हैंड साइड आपको मिल जाता है इसके अंदर पेट्रोल गॉज। तो जो आपका टेम्परेचर गॉज है ना वो हटा दिया गया है इसके अंदर से। फर्दर अगर कार कभी हीट करेगी तो प्रॉपर एक इंडिकेशन आपको इसके अंदर जरूर से मिल जाएगा लाइट का कि आपकी कार हीट कर रही है, आप उसको पार्क कर लें या फिर आप जल्दी से उसको चेकअप करवाएं कि वो हीट क्यों कर रही है। फर्दर इसमें से कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर आ जाता है काफ़ी सारे डिफरेंट मॉड के साथ, अगर आप देखें तो सीएनजी का कितना ड्राइव टाइम है बाकी आपको सारा कुछ बता देती है ये। माइलेज आपको इसके अंदर नहीं बताएगी ये सीएनजी में, बट माइलेज आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पता करनी है तो वो पेट्रोल में ही बता पाएगी, क्योंकि गैस की माइलेज एग्जैक्टली कभी भी नापी नहीं जा सकती है। तो कुछ ऐसा इसके अंदर सिलेंडर का आपको, अगर आपको डिजिटल गैस देखनी है कि मेरे सिलेंडर में कितनी गैस है, तो वो आपको डिजिटल भी डिस्प्ले कर देती है ये कार। काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका निकल के आता है, ऊपर आपको ब्लू इंसर्ट मिल जाते हैं वो टाइम के साथ, जैसे अगर आप पावर में चला रहे हैं तो थोड़ा जो इंडिकेशन चेंज होते हैं जैसे बलिनो में होते थे, वैसे ही इसके अंदर डाल दिए गए हैं। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो स्टीयरिंग व्हील में भी एक अच्छा फीचर डाल दिया गया। तो पहले तो टिल्ट एडजस्टमेंट होती थी प्री फेसलिफ्ट मॉडल में, अब जो नया आया है ना उसमें आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिलती है, मतलब आगे पीछे भी कर सकते हो और ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। किसी की हाइट ज़्यादा बड़ी है किसी की छोटी है तो उसके हिसाब से अपना स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट कर सकते हो, एक अच्छी कंफर्टेबल राइड इसके अंदर ऑफर करती है कार। डी कट इसके अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जेटा मॉडल के अंदर भी, बट आपको सिल्वर इंसर्ट्स नहीं मिलते जो स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं, ना ही लेदर राइट स्टिच मिलता है आपको स्टीयरिंग व्हील। क्रूज कंट्रोल जरूर से मिल जाता है, अगर आप देखो तो 14.5 लाख रुपए की अराउंड आती है इस टाइम पे आपको अर्टिका, वो उसके अंदर आपको टॉप मॉडल के अंदर भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो थोड़ा पैसा आप ज़्यादा दे रहे हो अर्टिका से इसके अंदर, बट आपको एक प्रीमियमनेस जरूर से मिल जाती है, जहाँ पे अर्टिका आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं कर रही है वहाँ ये क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रही है। मीडिया कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, दो एयरबैग, तो इस बार सेफ्टी का भी ध्यान इसके अंदर ज़्यादा रखा गया है। अगर आप देखें तो एक एयरबैग आपको हॉर्न पैड पे मिलता है, एक एयरबैग आपको डैशबोर्ड पे मिल जाता है, दो एयरबैग बचे हुए आपको साइड के सीट के इसमें यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक एयरबैग प्लेस्ड है और ड्राइवर साइड भी एक एयरबैग प्लेस है, मतलब चार एयरबैग आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, बट इसके अंदर आपको फिर स्पेशलाइज सीट कवर भी डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो वैसे सीट कवर होते हैं बकेट फिटिंग वाले वो इसके अंदर नहीं लगेंगे, क्योंकि एयरबैग जो होता है वो डिप्लॉय नहीं होगा। अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूं तो इसके अंदर आपको डैशबोर्ड पर प्रॉपर एक इंटीरियर स्टाइलिंग किट मिलती है, जो आपको फ्रंट के दो डोर तक जाती है प्रॉपर एंड तक, और काफ़ी अच्छे से ये मैनूवर करती है लुक को, एक प्रीमियम लुक कार के अंदर ऑफर कर देती है। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसके अंदर हमें मिल जाती है काफ़ी अच्छे लुक के साथ मिलती है, जो ऑरेंज कलर की स्क्रीन इसके अंदर आती थी ना वही स्क्रीन इसके अंदर हमें मिल जाती है एज इट इज, कोई इसके अंदर आपको चेंजेस नहीं मिलते। जो टॉप मॉडल है इसके ऊपर अल्फा, उसी के अंदर से आपको नई जो स्क्रीन आना स्टार्ट हुई है वही आती मिलती है। ये भी एक सिंपलिस्टिक स्क्रीन है, अगर किसी को बेसिक स्क्रीन चाहिए एंड्रॉइड ऑटो एपर कार पे तो वो सब कुछ आपका ऑफर करती है ये स्क्रीन। नीचे 1000 का आपको बटन मिल जाता है, अगर हम उसके नीचे चेकआउट करें तो इसके अंदर हमें मिल जाती है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। काफ़ी इफेक्टिव एसी है इस कार का, मैं आपको बता रहा हूँ कि रियर एसी और आगे का एसी मिला के ना इतना शानदार कूलिंग कर देती है, मतलब समर्स के अंदर, कि आपको बिल्कुल एसी का ना जो ब्लोअर है टेम्परेचर है वो आपको सेट ढंग से करना पड़ेगा, आप इसको ज़्यादा देर तक फुल स्पीड पे नहीं रख सकते, कूलिंग इतनी शानदार कर देता है कार के अंदर। अगर हम नीचे बात करें तो इसके अंदर आपको यूएसबी सॉकेट मिलता है और 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, इसके अंदर ऑक्स सॉकेट हटा दिया गया है क्योंकि अब फिलहाल ऑक्स बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर यूएसबी या तो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आपको स्क्रीन के अंदर मिल जाता है, यूएसबी का सॉकेट नीचे मिल जाता है। जो बीच में आप स्पेस देख रहे हैं उसके अंदर आपको मिल जाती है आपको वेंटिलेटेड सीट के बटन, एज इस मॉडल में इस वेंटिलेटेड सीट नहीं आती है, तो इसके अंदर कोई भी वेंटिलेटेड सीट का बटन आपको नहीं मिलता, वो एम्प्टी स्पेस मारुति की तरफ से ऑफर्ड है फोन रखने की कुछ स्पेस। इसके नीचे आपको मिल जाता है कूल्ड कप होल्डर्स, जो काफ़ी इफेक्टिव हैं अगर समर्स में आप अपनी ब्रिवेजेस रखें इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छे से कूलिंग ऑफर कर देते हैं। अगर मैं बात करूं इसके गेयरबॉक्स की तो इसके अंदर 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलता है आपको, काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर जो गियर प्लेसमेंट है और जो गियर एंगेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाती है स्मूथ।
अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूँ इसके अंदर, तो जो हैंड ब्रेक मिलती है हमें क्रोम टिप के साथ मिलती है, नीचे भी आपको कुछ स्पेस रखने के लिए मिल जाता है, वो आपकी पर्सनल मर्जी है। और आपको जो इसके अंदर आर्मरेस्ट मिलती है वो स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिल जाती है इसके अंदर, प्रॉपर इसके अंदर आपको स्पेस भी मिल जाती है। अगर आप देखें तो इसके अंदर स्पेस भी, यूटिलिटी स्पेस भी काफ़ी अच्छी ऑफर करी जाती है। सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ मैं भूल गया, जो आपको गियर नॉब है उसके चारों तरफ आपको एक सिल्वर सी फिनिश मिल जाती है, तो काफ़ी एक अच्छा इसके अंदर प्रीमियम इंसर्ट्स आपको दे रखे हैं कंपनी ने, और तो काफ़ी अच्छा एक अट्रैक्टिव इंटीरियर बन जाता है इस कार के अंदर। नीचे अगर मैं बात करूँ पेडल्स की, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर डेड पेडल भी मिलता है कार के अंदर, और काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेसमेंट है पेडल्स की, गैपिंग अच्छी है कि अगर आपको प्रॉपर, अगर आप कभी तो जाम में ट्रैफिक में चला रहे हैं तो आप गलती से ब्रेक या क्लच का नहीं दबा देंगे। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर पेडल्स की कर रखी है। अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूं इसके अंदर, तो ग्लव बॉक्स भी काफ़ी अच्छी यूटिलिटी स्पेस के साथ ऑफर कर दिया जाता है आपको, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसके अंदर और भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो यार इसके अंदर ये डे एंड नाइट जो एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कर देनी चाहिए थी, फर्दर आपको एसेसरीज में मिल जाएगा ज़रूर से, बट अगर आपको ये कर देती कंपनी तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऊपर की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो सनग्लास होल्डर इसके अंदर हमें मिल जाता है, दो इसके अंदर आपको हैलोजन लैंप मिलते हैं, वो आप चाहे तो बाद में एसेसरीज में वाइट करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। अगर मैं सनवाइजर की बात करूँ को ड्राइवर साइड, तो इसके अंदर आपको मिरर का प्रोविजन मिल जाता है। ड्राइवर साइड आपको इसके अंदर सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, कोई भी मिरर का प्रोविजन इसके अंदर नहीं मिलता कार के अंदर। तो फ्रंट से इसके अंदर कुछ लुक ऐसा था। अगर मैं सीट अपॉल्स्ट्री की बात करूँ तो इसके अंदर सीट अपॉल्स्ट्री कुछ ऐसी मिल जाती है, अगर आप देखें ध्यान से तो सेमी लेदराइड सीट अपॉल्स्ट्री आती है, मतलब बीच में आपको फैब्रिक मिलेगा, साइड की जो अपॉल्स्ट्री है वो लेदराइड मिलेगी। तो अगर किसी को सीट कवर फर्दर नहीं भी चढ़वाने हैं, इसी के ऊपर चलाना है, तो इसके अंदर भी प्रोविजन है कि आप इसको रख सकते हो, थोड़ा टाइम चला सकते हो जब तक फर्दर आप चेंज नहीं करवाना चाहते। तो सीट अपॉल्स्ट्री भी अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब लेदर भी है इसके अंदर दे रखा है आपको प्रॉपर साइड में, कुशनिंग बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। लंबर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो लंबर सपोर्ट भी काफी अच्छा मिल जाता है, एक्सटेंडेड लंबर सपोर्ट मिलता है, अगर आप देखें तो इतना पार्ट जान मुझके एक्सटेंड कर रखा है कि कंफर्टेबल राइड बने कार के अंदर, और काफी अच्छे तरीके से जो आपका कस्टमर है या फिर जो पैसेंजर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर इंजॉय करता हुआ जाए। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर हेडरेस्ट की, तो सारे के सारे हेडरेस्ट इसके अंदर हमें एडजस्टेबल मिलते हैं और काफ़ी अच्छा लुक दे देते हैं कार को, जो कि एक इम्प्रेसिव आपको इन्हांसमेंट मिल जाती है लुक की, और आप अपने हिसाब से इसके अंदर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है मारुति की तरफ से। तो चेकआउट करते हैं अब इसका बैक से लुक, कि बैक सीट में क्या कम्फर्ट, क्या स्पेस इसके अंदर हमें ऑफर कर दिया जाता है कार के अंदर। अगर मैं बैक डोर की बात करूं तो इसके अंदर हमें मिल जाता है पूरा ब्लैक इंटीरियर, जैसे अंदर आपको ड्राइवर साइड डोर मिलता है वैसे ही इसके अंदर बैक डोर भी मिल जाता है प्रॉपर ब्लैक इंटीरियर के साथ। एक सेमी लेदराइट फील इसके अंदर ज़रूर से मिल जाती है, सॉफ्ट टच आपको प्रॉपर मिल जाता है कि आपको फर्दर यहाँ पे कुछ भी आपको जो इंटीरियर मॉडिफिकेशंस करवाते हैं लोग, आपको यहाँ पे कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक सॉफ्ट टच ज़रूर से यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके पावर विंडो, तो पावर विंडो आपको पीछे मिल जाती है प्रॉपर, चारों पावर विंडो इसके अंदर मिलती है, और क्रोम हैंडल में आपको अनलॉक लीवर मिलता है, काफ़ी अच्छा एलिगेंट लुक निकाल देता है, डुअल टोन इफेक्ट ज़रूर से देता है, अलग से चमकता है वो क्रोम हैंडल। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसका डिज़ाइन किया है डोर पैनल। अगर मैं बात करूँ नीचे, तो एक लीटर की पानी की बॉटल और स्पीकर का प्रोविजन आपको मिलता है, और कुछ आपको मैगजीन स्पेस मिलती है, काफ़ी वाइड ओपनिंग इसके अंदर हमें मिल जाती है कार के अंदर। अगर आप देखें तो इतना वाइड गेट खुलता है कि पीछे वाले पैसेंजर को भी आराम से इन एंड आउट आप कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप फैमिली को, जो अगर ओल्ड एज पर्सन भी है तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, जैसे कभी दिक्कत होती है कोई कार्स के अंदर अब बाहर इन एंड आउट करने में, तो उसके अंदर वो दिक्कत नहीं होगी। हाइट भी ठीक है कि ओल्ड एज पर्सन भी आराम से इसके अंदर चढ़ के बैठ सकता है बिना कोई फुटस्टेप के, मतलब कोई भी आपको फुटस्टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कार के अंदर, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप एक राइड इन्जॉय कर सकते हैं इसके अंदर। दो कैप्टन सीट का प्रोविजन इसके अंदर आपको मिलता है, दोनों के हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, प्रॉपर रिक्लाइन हो जाती है, मतलब वॉल्वो की जो सीट आती है ना वो इसके अंदर मिल जाती है आपको। कैसे कह सकते हो आप कि दो आपको इसके अंदर हेडरेस्ट मिलते हैं अलग अलग, और दो इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट भी अलग अलग मिल जाती है, मतलब कम्फर्ट का तो प्रॉपर ध्यान रखा गया है इस कार के अंदर। आप लेट के आराम से जा सकते हो इसके अंदर ट्रिप में, लगेज स्पेस भी, लेग स्पेस भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और सामान अगर आपकी डिक्की में नहीं आ रहा कम तो इधर बीच में रख लो और पीछे दो पैसेंजर बिठा लो, तो काफ़ी अच्छी स्पेस इसके अंदर इंटीरियर में मिल जाती है। अगर हम बैठ के चेकआउट करें तो ये सीट पूरी पीछे हो रखी है ड्राइवर साइड, उसके बाद भी मेरे पास लेग स्पेस इतनी शानदार बची है ना, मतलब कहने ही क्या। तो ऊपर जो इसके अंदर एसी वेंट्स मिल जाते हैं ना, इसके अंदर काफ़ी लग्जरी इंटीरियर आपको मिल जाता है, साथ ही साथ आपको कूलिंग भी बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि जो ये चार एसी वेंट्स आपको मिलते हैं ना वो काफ़ी शानदार इसके अंदर कूलिंग कर देते हैं कार के अंदर, और काफ़ी अच्छा इसके अंदर लुक भी निकल के आता है कि आपको बिल्कुल एक अलग सा फील नहीं होता, और आपको एक अच्छे से इंटीग्रेटेड स्पेस के अंदर प्रॉपर एसी वेंट्स दे रखे हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर पहले आपको सिर्फ यही मिलती थी, एक आपको मैनुअल बुक आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए, एक आपको मिलती थी कार की, बट जब से सीएनजी लॉन्च हुई है तो मारुति ने उसका भी पूरा ध्यान रखा गया कि एक सप्लीमेंट्री ओनर जो आपको मिल जाती है मैनुअल बुक वो अलग से इसके अंदर मिलती है सिर्फ सीएनजी ओनर्स के लिए, जो जिनके पास सीएनजी फ्यूल है एज अ, उनके लिए प्रॉपर डिटेल में आपको इसके अंदर प्रॉपर बता रखा है इस कार के बारे में, क्या इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स हैं सब कुछ।
तो प्रॉपर सेफ्टी का भी ध्यान इसके अंदर रखा गया है। जो को ड्राइवर सीट है उसके नीचे आपको सिलेंडर की प्लेसमेंट भी मिल जाती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी सेफ फील होगा इस कार के अंदर। प्रॉपर ध्यान रखा गया जा रहा है मारुति की तरफ से कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एज अ सीएनजी ओनर। प्रॉपर आपको गाइड अलग से मिलती है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, और प्रॉपर इसके अंदर आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाता है, जो आपको कहीं आपको जरूरत पड़े बाई चांस तो आप इसको यूज़ ऐसा कर सकें सेफर साइड के लिए। अगर मैं नीचे सेंटर कंसोल की बात करूं तो इसके अंदर मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और फोन रखने की आपको स्पेस मिल जाती है। लॉन्ग ट्रिप पे आप बहुत ही आराम से इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं, पीछे वाले पैसेंजर भी सेकंड रो के। प्रॉपर इसके अंदर जो स्पेस मिल जाती है ना तो काफ़ी अच्छा है। सेंटर में भी अगर मैं बात करूं तो कोई हम्प इसके अंदर नहीं मिलता एज इट इज़, तो आप दो बंदे आराम से बैठ के जाएंगे। और कुछ स्पेस भी आप लगेज इसके अंदर रख सकते हैं, जैसे बूट में स्पेस कम है तो आप इसके अंदर लगेज भी वैसे रख सकते हैं। सेंटर में भी अगर आप देखें तो इसके अंदर काफ़ी स्पेस इसके अंदर मिल जाती है। तो यहाँ भी एक बैग आपने रख लिया, टफल बैग एक यहाँ रख लिया, या आपने एक प्रॉपर जो ब्रीफ केस आता है वो रख सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छी स्पेस इसके अंदर मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ साइड सीट की, तो मैंने जैसे आपको बताया एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्मरेस्ट मिलता है इसके अंदर साइड वाला, और इसके अंदर प्रॉपर जो सीट मिलती है वो काफ़ी अच्छे रिक्लाइंग मोड के साथ मिलती है और काफ़ी अच्छे कंफर्ट के साथ मिल जाती है। तो चेकआउट करते हैं अब ये थर्ड रो की स्पेस, की थर्ड रो में स्पेस क्या मिल जाती है आपको सीएनजी सिलेंडर लगाने के बाद भी। थर्ड रो में स्पेस जाने के लिए आपको इसके अंदर प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसके अंदर जा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। अगर मैं बैठ के दिखाऊं आपको तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। ये सीट अगर मैं इसको पीछे भी कर दूं ना तो काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। अच्छी बात, बीच में आपको दो सीटों के बीच में स्पेस मिल जाती है, तो आप अपनी लेग को प्रॉपर स्ट्रेच कर सकते हैं लॉन्ग ट्रिप पे, और काफ़ी इंजॉयबल ट्रिप कर सकते हैं इसके अंदर। एसी वेंट्स मैंने आपको जैसे बताया, तो प्रॉपर स्पेस इसके अंदर एसी वेंट्स की मिल जाती है, सेंटर में प्लेस कर रखे हैं इसके अंदर। बट उसके बाद भी कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है इस एसी की, प्रॉपर एसी है, ब्लोअर नहीं है, कूलिंग कॉइल्स इसके अंदर मिल जाती हैं आपको, सेंटर लैंप आपको इसके अंदर यहीं पे प्लेस्ड है। मैं अगर बोलूं तो एक सिर्फ मेरे को चीज़ लगती है कि एक पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी अलग से एक लैंप ऑफर कर देना चाहिए था इसके अंदर। बाकी स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी है, कप होल्डर आपको दोनों साइड मिल जाते हैं, और जो इस साइड जो कप होल्डर मिलता है लेफ्ट हैंड साइड, उसके अंदर आपको नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिलता है। तो मतलब यार कि आप इसके अंदर स्पेस के साथ आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, लॉन्ग ड्रिफ्ट पे आप इस लॉन्ग ड्राइव पे आप इसके अंदर प्रॉपर पीछे वाले पैसेंजर भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने जो भी गैजेट्स हैं उनको चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ था इंटीरियर स्पेस, कि इंटीरियर में क्या स्पेस ये ऑफर कर देती है कार, कुछ ऐसा लुक निकल के आता है इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर का, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। 15 नवंबर को लॉन्च हो रही है ये, और ज़रूर से इसको बाय करें और इसको ज़रूर से एक बार देखने जाएं। मतलब टेस्ट ड्राइव तो फिलहाल शायद ना मिले इसकी, क्योंकि ऑर्डर बल्क में लगेंगे, सीएनजी है, मतलब इंडिया की पहली पसंद सीएनजी। जिस गाड़ी में सीएनजी आ जाए वो चलनी ही चलनी है, और फिर इतनी ज़बरदस्त गाड़ी में सीएनजी आ जाए तो उसका उठना निश्चित ही है। तो ये था एक्सएल सिक्स सीएनजी का डिटेल वॉक अराउंड, जेटा मॉडल का क्या फीचर्स, क्या कंफर्ट, क्या स्पेस इसके अंदर हमें मिल जाता है। बहुत ही शानदार एमपीवी बन जाती है सीएनजी के अंदर ये, और ज़रूर से लेने वाली कार जरूर बन जाती है। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।